इस साल जो बजट आने वाला है वो चुनाव के पहले का बजट है और अगले साल चुनाव के पहले एक अंतरिम बजट आएगा। इसलिए पूरे देश के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये वाला बजट अति महत्वपूर्ण है। चूंकि बजट आ रहा है इस साल, चूंकि नोटबंदी, IDS और GST और RERA, ये चार कानून लागू किए गए हैं जिसका प्रभाव हर व्यापारी, हर व्यक्ति पर पड़ा है। जैसे इनकम टैक्स में धारा 68, 69, 69A, B, C, D के अंतर्गत जो पुरानी तारीख से प्रोविजन लगाया गया है, जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर अगर कोई एडिशन करता है तो व्यापारी को 82% तक टैक्स भरना पड़ सकता है, पड़ता है। पहले ये प्रोविजन 30% टैक्स पर खत्म हो जाता था। तो ये अचानक जो नोटबंदी के बाद ये प्रोविजन लाया गया है, इससे व्यापार जगत में काफी भय और घबराहट है। लोग व्यापार में लेन देन करने में घबरा रहे हैं, इसलिए व्यापार की गति में भी ये वाला प्रोविजन रुकावट डाल रहा है। इस संबंध में सरकार को चाहिए कि कुछ शिथिलता और कुछ बोला है, क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिशनरी सेक्शंस है जिसमें कि आय को जोड़ा जाता है। आगे दूसरा, GST में जो 44AD का प्रोविजन है, जो 8% और 6% इनकम मानी जाती है, क्योंकि ये 20 लाख रुपए पर GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसलिए इसे भी कहीं ना कहीं एनालिसिस किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। एक आयकर में 269ST धारा है जिसके अंतर्गत आप किसी व्यक्ति से 1,99,999 से ऊपर नगद लेते हैं एक दिन में, तो वो एडिशन किया जाता है और उस पर 100% पेनल्टी है। यदि आपने 2.5 लाख लिया तो 2.5 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ये काफ़ी हार्श प्रोविज़न है, लेकिन इसमें किसी भी लेन देन को कवर किया गया है। यानी इसमें सरकार से ये निवेदन है कि जो कुछ लेन देन पारिवारिक रूप से होते हैं उसमें शिथिलता दी जाए, जैसे कि भाई बहन में लेन देन, पति पत्नी में लेन देन, किसानों को पेमेंट में लेन देन, इस जिससे तरलता, क्योंकि संभव नहीं होता है कि वो आधी रात को बैंक से ट्रांजेक्शन कर पाए। कई बार आकस्मिक स्थितियों में आपस में रिश्तेदारों में लेन देन करना पड़ता है, तो इस प्रोविज़न में भी थोड़ी सी शिथिलता लाना अति आवश्यक है ताकि लोग उसको सहज रूप से समझ के ले सकें।